नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्च से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इसने बताया कि मेरी उम्र 70 साल तक की होगी। आपका भी यही बोला, लेकिन ऐसे बता रहा था जैसे माँ बाप से भी ज्यादा जानता हो। और बोल रहा है इसने कि अपना आपके भविष्य में जैसे आपके अंदर कोई आपसे प्यार से बात करेगा तो आप तुरंत उससे मतलब अच्छे से बात करेंगे। अगर हल्की सी भी ऊंची आवाज में बात करेगा तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। आपको लगा कि सही बताया? एकदम सही इसने बताया। मतलब ये तो भगवान हो गए फिर मेरे हिसाब से। तो भगवान नहीं है आपके लिए? सही बोल रहा है, जो मेरे से बात बोले इनसे भी बोल रहा है। मतलब भैया गुस्सा आ गए हैं? हाँ, ये नहीं गुस्सा नहीं है। मतलब आपको देख के लग रहा है कि आप ज्यादा सीरियस ले लिया है रोबोट की बात को। काहे के ले लेंगे, काहे के ले लेंगे सीरियस भैया? कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। परिवार को खुश दिल रखने के लिए। अच्छा। और परिवार अपने से जो कमाई है वो परिवार का प्रति करते हैं, परिवार का प्रति खर्चा करते हैं। और दूसरों के लिए मतलब खर्च दोस्त के लिए खर्च ना करें, इसी तरह के बात। दोस्तों के लिए खर्च ना करें और परिवार। शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। रोबोट है जो आपका भविष्य बताता है, कितने साल आगे भविष्य बताता है? ये पूरी लाइफ के बारे में बताता है। ये पूरी लाइफ के बारे में बता देता है ये? हाँ, बता देता है ये रोबोट। रोबोट ये कितना रुपया लेते हैं? 10 रुपए ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भविष्यवाणी, अपना भविष्य जाने केवल 10 रुपए में। आपने भैया जाना अपना भविष्य? हाँ हाँ बिल्कुल जाना। क्या बता रहा है ये रोबोट? इसमें ये बताया है इसने कि अपना आपके भविष्य में जैसे आपके अंदर कोई आपसे प्यार से बात करेगा तो आप तुरंत उससे मतलब अच्छे से बात करेंगे। अगर हल्की सी भी ऊंची आवाज में बात करेगा तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। आपको लगा कि सही बताया? एकदम सही इसने बताया। मतलब ये तो भगवान हो गए फिर मेरे हिसाब से। तो है भगवान नहीं है आपके लिए? अब पता नहीं, मेरे हिसाब से तो होना है। सारी बातें सच्ची सच्ची बता? बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, कैसे बताते हैं ये? जैसे कि कान में लगाते हैं, सर्च करता है दिमाग का, फिर उसके बाद बताता है। ब्लड सर्कुलेशन में लगा के दिमाग को स्कैन कर लेता है? स्कैन करता है जी हाँ। उसके सारी बातें बता, उसके बाद बताता है और बता करके अपने आप भी बंद हो जाता है। ये बता के अपने आप बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। जरा एक बार आप लोग चेक करके देख लीजिए क्या सच में भविष्य बताता है ये। आप अल्लाह चेक कर लो आके, हम ऊपर वाले भरोसा। ऑन हो गया मशीन, अब ये कान में जाएगा, ये हेडफोन जाएगा, स्कैन करेगा ये। करंट वगैरह तो नहीं मार देगा ना? नहीं, करंट वगैरह नहीं लगता है। क्या बता रहा है भैया? शादी ब्याह का कुछ बता रहा है? अभी आप शादी ब्याह का नहीं बताएगा, जरा हम भी सुन ले क्या। क्या बता रहा है? लगता है बहुत अच्छा बता दिया है। अरे क्या बता रहा है भैया? परिवार को खुश दिल रखने के लिए। अच्छा। और परिवार अपने से जो कमाई है वो परिवार का प्रति करते हैं, परिवार का प्रति खर्चा करते हैं। और दूसरों के लिए मतलब खर्च दोस्त के लिए खर्च ना करें, इसी तरह के बात। दोस्तों के लिए खर्च ना करें और परिवार का ध्यान रखें। हाँ, इसे भी बता रहे हैं कि ये संडे का बताते हैं कि मतलब ये कम होगा या नहीं, इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी, ये मतलब बोल रहे हैं क्या कि मतलब कि कोई भी काम अकेले करे जिससे आपको फायदा होगा। अकेले करे? सच बता रहा है क्या ये? अब क्या बता रहे हैं? आपको क्या लगा, सच बताया इसने? इसने जो भी बताया तो ये तो जो भी बताना कंफ्यूज बताता है। सच पर सिलेंडर तौल दिए थे। अच्छा, तो सिलेंडर तौले तब बताता है क्या कि आप दूसरा का बहुत मदद करते हैं लेकिन आपको देख के कुछ लोग जलता है। कॉमन बातें हैं, वही बता रहे हैं नॉर्मल से। मतलब सिलेंडर के
के कान में हेडफोन लगा दिया? नहीं, सिलेंडर रख दिए थे पर 20 रुपया दे के एक दिन। अच्छा, सिलेंडर ही रख दिए थे इसको? हाँ, तो उसका भविष्य बताने लगा। क्या बता रहा था सिलेंडर के बारे में? सिलेंडर के बारे में बोल रहा था कि मतलब बोल रहा था कि आपका आप बहुत दूसरों का मदद करते हैं और कुछ कुछ उतना ध्यान नहीं है। तो सही तो बताया, सिलेंडर तो सच में दूसरों की मदद करता है। मदद थोड़ी करता है, सिलेंडर रख दिया, कहियो पत्थर ला कर रखेंगे बड़का सोच लिया है। जरा हम एक बार कान में लगा के देखते हैं कि क्या बता रहा है। लगाइए जरा हमारे कान में। करंट तो नहीं मारेगा ना भैया? कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। इसने बताया कि मेरी उम्र 70 साल तक की होगी। आपका भी यही बोला, लेकिन ऐसे बता रहा था जैसे माँ बाप से भी ज्यादा जानता हो। और बोल रहा था कि आप अच्छे आदमी हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं लेकिन फिर लोगों की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और काफी घुल मिल के रहते हैं लोगों से। मेरे से भी, आपसे भी यही बोल रहा था। फ्रॉड कर रहा है ये जी। क्या करना चाहिए इसके साथ? इसको क्या करना चाहिए, इनसे पूछिए इनसे क्या करना चाहिए। आप ऐसा क्यों मसल लिया कर रहे हो? भावनाओं से खेल गया ये रोबोट। हाँ, आपने क्या सोचा जब इसने आपको ये सारी बातें बताई? गलत बता रहा है। मुझे भी यही बताया इसने, आपको भी यही बताया? हाँ हाँ, सब गलत बता रहा है। कमाने का धंधा है इनका, जरिया है। ऐसे नहीं बोलिए। बिजनेस कोई का थप हो जाएगा। वैसे ही बोलेगा ये, जिसको जो समझ में आएगा वैसे ही बोलेगा। जिसको जो समझ सही बोल रहा है, हेलो तो रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। जो मेरे से बात बोले इनसे भी बोल रहा है। मतलब भैया गुस्सा आ गए हैं? हाँ, गुस्सा नहीं है। मतलब आपको देख के लग रहा है कि आप ज्यादा सीरियस ले लिया है रोबोट की बात को। काहे के ले लेंगे, काहे के ले लेंगे सीरियस? तो जैसा कि देख रहे थे, यूएसए से भी फास्ट हो गया है सोनपुर का मेला। भविष्यवाणी करता है ये रोबोट, यहाँ पे खड़ा है और काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना भविष्य जानने के लिए। हम लोगों ने भी जानने की कोशिश की, इन्होंने वही बातें बताई जो आम तौर पे ये रोबोट सबको बताता है। और इसमें शायद एक रिकॉर्डिंग सेट कर दिया गया है जो हर 5 मिनट पे या 10 मिनट पे चेंज होते रहता है। तो रोबोट और मैं थी आपके साथ हिमांशी। इस तरह की बातों को सीरियस ना ले और अपने जीवन में अप्लाई ना करें, ये सिर्फ मनोरंजन का एक माध्यम है। देखते रहिए और खुश रहिए। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।